कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग जो गैलेक्सी है दोस्तों, उसके अंदर एक ऐप होती है, आप बोल सकते हैं एक कैलेंडर जो ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ नए फीचर वहां पर एड ऑन किए गए हैं। क्या नया फीचर एड ऑन किए गए हैं जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग कैलेंडर ऐप की नए अपडेट्स के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको मिलेगा सैमसंग कैलेंडर ऐप में नया अपडेट्स आपको अवेलेबल दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं ये अपडेट आपको नया अवेलेबल दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रिलीज किया गया है, 15 जून को इसको रिलीज किया गया, जिसका साइज है 45.66 MB का एंड देन वर्जन नंबर इज 12.4.0.15। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ अपडेट जब तक हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर कर लिया अपडेट। यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज़ की गई है, इम्प्रूव स्टिकर्स किए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन टू हाइड सर्च हिस्ट्री, ऑप्शन टू हाइड सर्च हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री को हाइड करने का ऑप्शन एड ऑन कर दिया गया है। एड रिपीटेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन, क्विक एड मेन्यू, इम्प्रूव रिमाइंडर कैटेगरी कलर्स। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले होने देते हैं इसको इंस्टॉल। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए फीचर दिए गए। सबसे पहले यहाँ पर फीचर दिए गए थे इम्प्रूव स्टिकर्स का, तो यहाँ पर स्टिकर्स को इम्प्रूव कर दिया गया। जैसे कि आप इसको ओपन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप प्लस करके या फिर कहीं भी स्टिकर्स लगाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे नए नए स्टिकर्स यहाँ पर इम्प्रूव कर दिए गए, तो स्टिकर्स यहाँ पर एड ऑन किए गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड फीचर दिया गया ऑप्शन टू हाइड सर्च हिस्ट्री, ऑप्शन टू हाइड सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा सनी, यहाँ पर सनी लिख के मैंने सर्च मारा, तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर सनी लिख के यहाँ पर सर्च मार लिया, तो जहाँ भी सनी नाम से सर्च होंगे सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी सर्च हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखे तो यहाँ पर जाएंगे सर्च हिस्ट्री में, यहाँ पर आप सर्च हिस्ट्री को यहाँ पर हाइड आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेकेंड फीचर एड ऑन किया गया। तीसरा फीचर यहाँ पर आप देखेंगे एड रिपीटेशन ऑप्शन टू ऑटोमेटिकली क्यूड एड मेन्यू में, रिपीटेशन ऑप्शन को एड ऑन कर दिया गया है क्विक एड मेन्यू में। कैसे कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर प्लस में जाएंगे, प्लस में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये डोंट रिपीट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर आप रिपीटेशन लगा सकते हैं एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर का आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फोर्थ फीचर दिया गया है इम्प्रूव रिमाइंडर कैटेगरी कलर। तो यहाँ पर रिमाइंडर के जो कलर्स हैं ना कैटेगरी के, वो भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर और बहुत सारे आप कलर यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर एड ऑन किए गए। ओवरऑल यहाँ पर फोर नए अपडेट्स या नए चेंजेस किए गए थे जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।